हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टॉक। आज हम देखेंगे पार्ट टू है हमारी। हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में भी जो प्रीवियस वीडियो है हमारी उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें हम कुछ टॉपिक्स और देखेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे कि हमारे एटमोसफेयर में कई तरह के टीनी पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई भी टीनी पार्टिकल्स अवेलेबल है, अगर इसके ऊपर कोई अगर लाइट आए और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, फिर कोई लाइट आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर कोई लाइट आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी क्या हो रहा है, एक लाइट आ रही है वो किसी एक टिनी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है ना, यानी उस टिनी पार्टिकल को स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या हमारा वाइल्ड स्काई ग्लो। अब देखो स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखा देता है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि कंसिडर करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सन है, तो क्या होगा, ये हमारे अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये सन है, सन जो एक्चुअली में है ये व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो क्या करेगा ये व्हाइट कलर, व्हाइट कलर ये यहाँ पे हमको अर्थ पे प्रोवाइड करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पास गैसेस अवेलेबल है वो है हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो कम वेवलेंथ वाले जो रेज है उसको स्कैटर करती है। मतलब कि व्हाइट लाइट में कौन कौन सी कलर होते हैं, बी आई बी जी वाई ओ आर, ये कलर्स होते हैं हमारे पास। तो कम वेवलेंथ वाले मतलब ये अप्रोक्सीमेट ये हमारे कम वेवलेंथ वाले कलर्स हैं। तो ये क्या करती है, सिर्फ ये जो हमारे पास टिनी पार्टिकल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल्स है इसको ये रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि क्या होगा, जैसी ये रेज आई, ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अगर ब्लू कलर होगा तो ये इसको ऐसे स्कैटर कर देगा, ऐसी क्लियर देगा उसको ऐसे स्कैटर कर देगा, तो वो क्या करेगा, जो कम वेवलेंथ वाली जो रेज होगी उसको स्कैटर करते चले जाएंगे, ठीक है, यानी फैलाते चले जाएंगे, तो ब्लू कलर फैलता चला जाएगा पूरे स्काई में। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो स्काई होगा वो ब्लू कलर का दिखाने लग जाएगा, है ना। किसके कारण, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं वो क्या करते हैं, कम वेवलेंथ वाले को स्कैटर करते हैं, जो ज्यादा वेवलेंथ वाले हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही पास हो जाते हैं, वो स्कैटर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था, स्काई इज ब्लू, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट है आपका वो है कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। मतलब अब हमें ये देखना है कि कलर उस समय क्या होगा जब सनसेट होगा और सनराइज। एक्चुअली हम जानते हैं कि जब सनसेट और सनराइज होता है उस समय हमें रेडिश कलर दिखाई देता है, है ना। जैसे कि हम ये मानते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हैं और यहाँ हमारा और एक यहाँ है हमारा सन, ठीक है, और एक हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा एटमोस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक में भी देखा यहाँ पे ऑब्जर्वर लिखा हुआ है ना, ऑब्जर्वर मतलब हम, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ तक, जो ये डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल होगा, जो डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल, आप इस डिस्टेंस को देखो, तो इस डिस्टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये ज्यादा डिस्टेंस है इसके बीच में क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, ये भी ज्यादा डिस्टेंस है। तो हम ये जानते हैं कि जो कम वेवलेंथ वाली जो लाइट्स होती है वो पहले ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पर पहले रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वो पहले ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कम वेवलेंथ वाली, किससे, हमारे एटमॉस्फेरिक में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उन्हीं से। लेकिन जो ज्यादा वेवलेंथ वाली रेज होगी, जैसे रेड है ऑरेंज है, तो वो सीधा डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है ना। कम वेवलेंथ वाले तो स्कैटर हो गए, जो ज्यादा वेवलेंथ वाले जो आपके रेज हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे आई तक पहुंच सकते, ऐसे ही सेम यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ वाले आई तक पहुंच सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़े कम डिस्टेंस कम है, तो हो सकता है यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ऑरेंज दिखाई दे, है ना, नाम के लिखते हैं बिल्कुल,
तो हो सकता है येलो या ऑरेंज दिखाई दे, है ना, इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये डिस्टेंस कम है, तो हो सकता है हमें येलो या ऑरेंज दिखाई दे आपको, है ना। लेकिन सनसेट और सनराइज जब राइज होगा उस समय में क्या दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है सनराइज का और सनसेट का वो ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यादा वेवलेंथ वाले जो कलर्स हैं, रेज है, वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सनसेट और सनराइज का। जो लास्ट है आपका रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन मतलब कि जैसे हमने प्रिज्म में किया था, उसमें क्या होता है, एक व्हाइट लाइट आई प्रिज्म में एंटर किया और वो सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। ऐसे ही सेम केस जो होगा हमारा जो वाटर के टिनी पार्टिकल जिसको हम बूंद बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि आपको कोई ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, वाटर ड्रॉप में क्या होगा, जैसे भी कोई आपकी ये लाइट पास होगी इसमें, तो ये क्या करेगा, जो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, तो हमें पता है कि लेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो यही सेवन कलर्स आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सेवन कलर्स है हमारे ऐसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो सेवन कलर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, ये जब तक वापस ऐसे नहीं आ जाते, ठीक है, ऐसे, तब तक हमें यहाँ पे हमारी आईज होगी, यहाँ पे आईज बना लेना, यहाँ पे हमारी आईज होगी, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये रिफ्लेक्टेड होके जो रेज आई है हमारे पास, ये हमें फॉर्मेशन दिखेगा ऐसे, यहाँ फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, यहाँ फॉर्मेशन हमें कैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ से तो सन की रोशनी आ रही है ना, सन की रोशनी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें तो सिर्फ ये सन की जो लाइट है ये लाइट दिखेगी डायरेक्ट, तो व्हाइट लाइट सिर्फ हमें दिखेगी, लेकिन जो एक्चुअल में जो हमें रेनबो दिखना है वो हमें यहाँ से एंटर होने के बाद जब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तब जाके हमारे पास जो होगा वो रेनबो दिखाई देगा। अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट कब होगी, तो इसका भी एक प्रिंसिपल है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जब यहाँ का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम आई बोल दिए, अब आई जो होगा वो जब ग्रेटर देन होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल क्या चीज है इसको भी हम देखेंगे। क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ये ज्यादा होगा तो ये ऐसे रेज आएगी, जैसे कि अभी ऐसे आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये ऐसा ही, तो ये ऐसे क्यों हो गए, है ना, ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये वापस ऐसे हुई, क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, क्रिटिकल एंगल की वजह से हुई, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल जब ज्यादा हो जाता है तब जाके हमारा ये रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक। चलो अब क्रिटिकल एंगल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने ये रे ऑफ लाइट आई, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट आई, हमने नॉर्मल आई बनाई, अब देखो मान लिया हमने ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे हो जाएगी, इतनी भी नहीं, इतनी, ठीक है। अगर सेम केस मैंने और किया, ये भी आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसे था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे मूव कर दिया, तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ ऐसे मूव हो जाए, है ना, तो ये नॉर्मल लाइन है तो ये थोड़ा सा और अंदर की तरफ ऐसे मूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड डायग्राम ड्रॉ करूं, इसको रख कर दूं यहां तक, अगर मैं थर्ड डायग्राम ड्रॉ करूं कुछ ऐसा, ये आपकी नॉर्मल लाइन है, ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और ऐसे शिफ्ट कर दिया, यानी अब क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल, ये जो एंगल ड्रॉ हुआ इक्वल हो जाएगा इसके, बिल्कुल पहले ऐसे था, अब बिल्कुल इससे टच हो जाएगा, इसको थोड़ा और ऐसे मूव किया, फिर थोड़ा सा और ऐसे टच हो जाएगा, तो इसमें हो गया, तो यहाँ पे देखो जो एंगल बन रहा है हमारा,
190 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल ड्रॉ हुआ इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी ऐसे मूव किया उसको कि उसका जो रिफ्लेक्टेड था वो 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। अब देखो जैसे ही क्रिटिकल एंगल ज्यादा, जैसे अभी मैंने एंगल फॉर्मेशन में बताया था, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना, अब क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना, क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा, तो यही तो बूंद में वैसा आएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो यही ऑपरेशन आपका उसमें यूज होता है एंगल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ऑफ प्रॉपर्टी। बाकी हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए इसके।